नमस्कार। क्या आपको पता है कि दिल की बीमारी के कारण काफी लोगों की मृत्यु होती है? इस खतरनाक बीमारी के पीछे का जो कारण है वो है क्लॉग्ड आर्टरीज। आज मैं आपको क्लॉग्ड आर्टरीज के बारे में बताऊंगी जो लाखों लोगों को प्रभावित कर रही है। जब हृदय की आर्टरीज मजबूत और फ्लेक्सिबल होती है तो ये शरीर में रक्त का फ्लो आसानी से पहुंचा सकती है, लेकिन जब यही आर्टरी प्लाक बिल्डअप से भर जाती है तो ये रक्त को आसानी से फ्लो होने नहीं देती, जिस वजह से कई सारी स्वास्थ्य समस्याएं होती है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी आर्टरीज क्लॉग्ड हो रही है? मैं आपको 7 वार्निंग साइंस बताऊंगी जिसके प्रति आपको जागरूक रहना चाहिए। पहला, जब भी आपको छाती में दर्द महसूस हो तो ये एक साइन है कि आपकी आर्टरीज ब्लॉक्ड हो सकती है। अगर आपको कुछ डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है तो आप थोड़े सतर्क हो जाइए, क्योंकि इस स्थिति को एंजाइना कहते हैं। ये इस बीमारी का सबसे आम लक्षण है। ऐसी स्थिति तब डेवलप होती है जब ये ब्लॉक्ड आर्टरीज के कारण रक्त दिल तक नहीं पहुंच पाता। अगर आपको लगातार छाती में दर्द होता रहता है तो ये साइन है एंजाइना पेक्टोरिस का कि आर्टरीज ब्लॉक्ड हैं। दूसरा, रोज के कामकाज के दौरान अगर सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आपके दिल को सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो आप समझ जाएं कि ये आपके दिल की आर्टरीज ब्लॉक्ड है। तीसरा, दिल में क्लॉक्ड आर्टरीज होने के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जिस वजह से आपके दिल और ब्लड वेसल्स पर अधिक प्रेशर पड़ता है। चौथा, अगर आपके बाजुओं में या पैरों में अकड़न महसूस होती है, कमजोरी महसूस होती है, तो ये भी क्लॉक्ड आर्टरीज की साइन है। पांचवा, दिल में क्लॉक्ड आर्टरी होने की वजह से पुरुषों के पेनिस में पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं पहुंच पाता, जिस वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। छठा, अगर आपको हमेशा थकान ही महसूस हो तो ये संकेत है कि आपके दिल को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, कहीं न कहीं ब्लॉक्ड आर्टरीज है। सातवां, जब भी हार्ट बीट अनियमित हो जाती है तब भी ये साइन हो सकता है कि आर्टरीज में क्लॉक हो, तो ये स्थिति आगे जाके गंभीर समस्या पैदा कर सकती है अगर उसे प्रॉपर ट्रीट ना किया जाए तो। तो अगर आप इनमें से कोई भी वार्निंग साइन का अनुभव कर रहे हैं तो ये जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर को जल्द से जल्द कंसल्ट करें। स्वस्थ रहने के लिए आपको हेल्दी रूटीन का पालन करना बहुत जरूरी है। आपके सभी शारीरिक या मानसिक समस्या का समाधान है योगिक लाइफस्टाइल। आसन प्राणायाम नियमित रूप से करें, और जब आप इस तरह से चलेंगे, बदलाव लाएंगे अपनी जीवन शैली में, तो स्वस्थ रहेंगे ही। बस तो अपना ध्यान देना है। शुभमस्तु। नमस्कार।